नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। एशियन गेम्स में सर्वाधिक 18 गोल्ड का रिकॉर्ड। एशियाड में हमारा 72 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सिक्किम में तबाही, 2 घंटे में 15 इंच बारिश से बांध टूटा, जल स्तर 20 फीट बढ़ा। एनसीपी सांसद फैजल फिर लोकसभा से अयोग्य करार। एआर रहमान ने 10 करोड़ का मानहानि केस करा। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन बना। जैन और सिसोदिया के बाद अब आपके तीसरे बड़े नेता संजय सिंह गिरफ्तार। बिधुड़ी और दानिश मामले पर 10 को समिति की बैठक। गायत्री जोशी की कार की टक्कर से स्विस दंपति मृत। मणिपुर में भेदभाव के खिलाफ कुकी जो की ताबूत रैली। हाईकोर्ट ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को खोलने के आदेश दिए। मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक हेरिटेज ट्रेन। नांदेड़ में 72 घंटे में 38 की मौत, मुख्यमंत्री शिंदे बोले सब ठीक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। कारगिल में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार चुनाव, 77% वोटिंग। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू भारती उच्चायुक्त से मिले। ईरान में मोरल पुलिस के हमले से लड़की घायल, अस्पताल में भर्ती, कोमा में पहुंची। चीन में परमाणु पनडुब्बी बैरियर से टकराई, ऑक्सीजन सिस्टम फेल, 55 सैनिक मरे। अफगानिस्तान में अफगान लोगों को पाक छोड़ने का आदेश अस्वीकार, तालिबान ने कहा। इटली में वेनिस में टूरिस्ट बस ओवरपास से नीचे गिरी, 21 लोगों की मौत, इनमें 3 बच्चे भी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।